रियलमी C55 लेने वाले हो, रुक जाइए। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूं जिससे आपको इस फ़ोन को नहीं लेना है। पहले बात कर लेते हैं रियलमी C33 की। तो रियलमी C33 से काफ़ी अपग्रेड है रियलमी का C55। अब जान लेते हैं दो मिस्टेक। सबसे पहली मिस्टेक, इस फ़ोन में आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को नहीं मिलता। दूसरी मिस्टेक की बात की जाए, वो मेरे को लगा इस फ़ोन का 5G ना होना। वैसे तो इस फ़ोन का प्राइस 11,000 रुपये देखने को मिलता है। अगर आप लोग इसका हाई वेरिएंट बाय करते हो तो उस प्राइस रेंज में आपको 5G फ़ोन लेना चाहिए, मेरा ऐसा रिकमेंड है। और बाकी फ़ोन काफ़ी अच्छा है, आप चाहें तो ले सकते हो। इसको बैंक डिस्काउंट के साथ आप 10,000 में लेते हो तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है, एकदम कम्प्लीट फ़ोन है। तो मेरा रिकमेंड तो फुल्ली यही रहेगा कि आप इस फ़ोन को ज़रूर से बाय कर सकते हो, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो मेरे हिसाब से 2023 में 4G फ़ोन लेने का कोई भी सेंस नहीं बनता। तो और बाकी आप लेना चाहो तो ले सकते हो।